हाँ तो मेरे यारों, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आलिया अपने घर पहुंचती है और इसकी बहन इसे हग करती है और आलिया कहती है, मैं आ गई माशा। इस पर माशा कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे बड़ी बहन बुलाया करो। इस पर आलिया कहती है, चेंज करना थोड़ा अजीब लगेगा यार। इस पर माशा कहती है, तुम्हारा मूड अभी सही नहीं लग रहा, कुछ हुआ है क्या? इस पर आलिया कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ। इस पर मारिया कहती है, चलो भी तुम मुझसे झूठ नहीं कह सकती, बताओ अब क्या बात है? इस पर आलिया कहती है, वो मैं कूजे से मिली और उसके बचपन की दोस्त से भी। इस पर मारिया कहती है, लगता है कोई आलिया को फाइनली पसंद आ गया है। इस पर आलिया कहती है, ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ। इस पर मारिया कहती है कि तुम उसे पसंद करती हो ना। इस पर एक कहती है, नहीं हम बस दोस्त है समझी। इस पर मारिया कहती है, अच्छा तो फिर तुम दोनों दोस्त क्यों बने हो? और वैसे भी तुम्हें वो लोग नहीं पसंद जो कि दिल से काम नहीं करते। इस पर आलिया शर्मा जाती है और कुछ कह नहीं पाती। इस पर अब हम एक पास्ट का सीन देखते हैं, यानी 6 साल पहले का, जहाँ पे एक जगह होती है जिसका नाम होता है ब्लडी हॉस्टल। और एक स्कूल में एक टीचर सभी बच्चों को टास्क देती है कि ग्रुप बना के शॉप इन्वेस्टिगेट करने का। और कुछ बच्चे आलिया के साथ ग्रुप बनाते हैं और उसे फ्लावर और बच्चों शॉप जाने के लिए बोलते हैं। इस पर आलिया शॉप पे जाती है और अपना दिया हुआ असाइनमेंट कंप्लीट करती है। लेकिन अगले दिन जब ये ग्रुप के मेंबर से असाइनमेंट के बारे में पूछती है तो लड़का कहता है, मैंने तो वो किया ही नहीं। इस पर आलिया कहती है, लेकिन क्यों, तुम्हें पता है ना डाटा को कंपाइल करने में कितना समय लगेगा? इस पर कहता है, अभी तो 1 हफ्ता बचा है यार। इस पर आलिया गुस्सा हो जाती है और लड़का इसकी कॉपी को देख के कहता है, तुमने कितनी डिटेल में लिखा है। और लड़की कहती है, आलिया क्या ये सब पढ़ना ज़रूरी है? इस पर आलिया कहती है, आखिर तुम सब सीरियस क्यों नहीं हो? इस पर ये बच्चे गुस्से में कहते, अगर इतना ही है तो खुद कर लो अपना काम। और फिर ये लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं। इस पर इनकी टीचर आके इन्हें रोक देती है और नेक्स्ट सीन में इनकी टीचर कह रही होती है, तो एक्सेलेंस अवार्ड मिलता है ग्रुप बी को। इस पर आलिया बहुत दुखी होती है क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी वो ये जीत नहीं पाती। और वो कह रही होती है, इस दुनिया में कोई भी मेरी तरह नहीं है जो कि चीज़ों को सीरियस लेकर करे, और अगर ऐसा है तो मैं सब अकेले करूँगी। इस पर नेक्स्ट सीन में अभी बड़ी हो चुकी होती है और जापान में होती है और बच्चे इससे पूछ रहे होते, तो क्या तुमने सच में इतना डिफिकल्ट ट्रांसफर एग्जाम क्लियर कर दिया? इस पर दूसरा लड़का कहता है, वैसे तुम्हारी जापानीज बहुत अच्छी है, क्या तुम पहले जापान में रहती थी? इस पर आलिया कहती है, हाँ लेकिन 5 साल पहले। इस पर नेक्स्ट सीन में अभी क्लास में होती है और कूजे को सोता हुआ देखती है और बोलती है, आखिर इतने शोर में कैसे सो सकता है? और इसे बोलती है, ये क्लास शुरू होने वाली है। इस पर कूजे कहता है, क्या तुम वही ट्रांसफर स्टूडेंट हो जिसके बारे में सब सेरेमनी में बात कर रहे थे? इस पर कहती है, हाँ और तुमसे मिलके अच्छा लगा, मैं हूँ आलिया। इस पर कूजे कहता है कि मैं कूजे हूँ, तुमसे मिलके अच्छा लगा। और बोलता है, ए हिकारो तुम भी इसी क्लास में हो क्या? इस पर कहता है, मैं तो हमेशा से यहीं पे था भाई। और वैसे ताकेशी भी इसी क्लास में, और आलिया कूजे को ही देख रही होती है। इस पर नेक्स्ट सीन में कूजे अपने नोटबुक भूल गया होता है और हिकारो से मांगता है और आलिया ये सब देख रही होती है और अभी देखती है कि पीरियड के बीच में ये सो रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि 14 दिन बचे होते हैं स्कूल फेस्टिवल के लिए और इनके क्लास को हॉन्टेड हाउस की तैयारी करनी होती है। इस पर सब अपना काम कर रहे होते हैं और आलिया भी अपना काम कर रही होती है। इस पर कुछ लड़कियां इसके पास आके कहती है कि क्या तुमने घर नहीं जाना? इस पर आलिया कहती है, नहीं मैं थोड़ा और काम करूँगी। इस पर लड़कियां जाते हुए कह रही होती है कि ये सिर्फ स्कूल फेस्टिवल ही तो है, इसे इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये सुन के आलिया फिर से दुखी हो जाती है और अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है और इसकी एक उंगली में सुई लग जाती है जिस पे बैंडेड लगा के फिर से अपना काम शुरू कर देती है और कहती है, मैं ये करके रहूँगी चाहे मैं अकेले ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी। और जिस पे अब यहाँ पे कूजे आता है और आलिया कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पे ये कहता है, कुछ काम आ गया था और तुम घर चली जाओ, ये काम हम कल कर लेंगे साथ में। इस पे आलिया कहती है, तुम चिंता मत करो मैं इसे खत्म करके घर चली जाऊंगी। इस पे ये कहता है, ठीक है और वैसे कॉस्ट्यूम बनाने के लिए मैंने हैंडीक्राफ्ट क्लब से मदद मांगी है और ये रहा उसका यूसेज परमिट बोर्डिंग हाउस के लिए। इस पे आलिया कहती है, क्या बोर्डिंग हाउस, ये तुम्हें कैसे मिला? इस पे कहता है कि मैंने प्रेसिडेंट से मदद मांगी और हैंडीक्राफ्ट क्लब ने कहा कि वो मदद करेंगे अगर उन्हें हम कुछ लड़के दे दे तो। इस पे और अगर मैं लड़कों को कहूँ कि ये मौका है तुम्हारे पास दिखाने का कि तुम कितने भरोसेमंद हो लड़कियों के लिए, तो वो ज़रूर मान जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए घर चलते हैं। इस पे आलिया कहती है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है, और अगर मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ तो मैं दिखाऊंगी ये मेरे लिए कितना ज़रूरी है, इसमें आखिर बुराई क्या है। इस पे ये कहता है, तुम गलत डायरेक्शन में काम कर रही हो, स्कूल फेस्टिवल वो काम नहीं है जो तुम अकेले करो, ये वो चीज़ है जो सब साथ मिलकर करते हैं, और तुम्हें अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो तुम्हें दूसरों को मोटिवेट करना होगा। इस पे आलिया कुछ कह नहीं पाती और कूजे कहता है कि सॉरी मुझे पता है तुम इसके लिए बहुत मेहनत कर रही हो। इस पे आलिया अपना बैग उठा के बोलती है, मैं घर जा रही हूँ, और खुद से कह रही होती है,
आखिर वो चाहता क्या है। इस पर नेक्स्ट सीन में ताकेशी कहता है स्कूल फेस्टिवल की तैयारी करते करते, चलो क्यों ना सब अपनी भी हिम्मत चेक करते और सब लोग रात में आके यहाँ पे हाइड एंड सीख खेलेंगे और हमारी प्री पार्टी होगी आज स्कूल फेस्टिवल से पहले। इसमें सभी बच्चे कहते हैं हाँ ठीक है और ये सभी अपना काम करते और आलिया अपनी कॉस्ट्यूम पहनती है और अब स्कूल फेस्टिवल का दिन होता है और ये सभी तैयार होते हैं और सभी सही से काम करते हैं और इन्हें एक्सेलेंस अवार्ड भी मिल जाता है। अब शाम के टाइम सब डांस कर रहे होते और आलिया कुजे के पास आके बैठ जाती है और कुजे कहता है कि तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया है और स्कूल काफ़ी ओल्ड फैशन है इन मामलों में, लेकिन आज भी ये लोग आफ्टर पार्टी डांस करते हैं। और कुजे आलिया से पूछता है क्या तुम्हें डांस नहीं करना और क्या तुम्हें फोल्ड डांस आता है। इस पर आलिया कहती है कि तुम बहुत रूड हो, दिखने से लगता नहीं होगा लेकिन मैं जब छोटी थी मैं बैलेट क्या करती थी, मैं इतना सिंपल डांस 2 मिनट में सीख सकती हूँ पर मुझे करना नहीं है और सबको मना कर दिया मैंने। इस पर कहता है तुम सच में सॉलिटरी प्रिंसेस हो। इस पर कहती है क्या, और ये कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें सब क्लास में ऐसे ही इसी नाम से बुलाते हैं। इस पर कहती है हाँ शायद, और कुछ कहता है क्या तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है इसलिए तुम खुश नहीं हो। इस पर आलिया बोलती है क्या तुम इतने बेकार तरीके से चीजें बोलना बंद करोगे। इस पर कहता है ओ माफ करना। इस पर आलिया कहती है और मुझे ये प्रिंसेस बर्ड पसंद नहीं है। इस पर कहता है लेकिन ये तो एक कॉम्प्लीमेंट हुआ ना। इस पर कहती है मैं एक फेरी टेल प्रिंसेस जैसा साउंड करती हूँ जिसको सफरिंग के बारे में कुछ नहीं पता, और अगर अपीयरेंस और टैलेंट देखा जाए तो मैं बाकियों से ज़्यादा मेहनती हूँ लेकिन मैं कभी हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ती। इस पर कुजे कहता है समझ गया, मैं अब से तुम्हें ये नहीं बुलाऊंगा। इस पर आलिया कहती है शुक्रिया कुजे, और कुजे कहता है लेकिन अब ये किस लिए। इस पर आलिया कहती है मैं गलत थी और मैं अगर ये सब अकेले करने का सोचती तो इतना एंजॉय नहीं कर पाती और सॉरी मैंने तुम पे गुस्सा किया। इस पे कहता है मैंने तो बस थोड़ा सा पेपर वर्क में तुम्हारी हेल्प की थी, मैं ताकेशी और कुजो जैसा बिल्कुल नहीं हूँ जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते। इस पे आलिया कहती है कि मैंने तो तुम पे गुस्सा किया और मैं तुम पे शुक्रिया बोलने के लिए कुछ देना चाहती हूँ तो क्या तुम्हें कुछ चाहिए। इस पे कुजे कहता है रशिया में एक हैबिट है ना दूसरों को स्पेशल निकनेम से बुलाने की। इस पे आलिया कहती है हाँ मेरा निकनेम आलिया है। इस पे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे परमिशन दो तो मैं आलिया बुलाने की। इस पे कहती है लेकिन ये तो कोई चीज़ थोड़ी ना हुई। इस पे कहता है पूरी क्लास में सब तुम्हें अपना आइडल मानते तो पूरी क्लास में बस मैं ही तुम्हें आलिया कह के बुलाऊंगा जिससे मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। इस पे आलिया कहती है क्या तुम पागल हो। तभी इस पे पीछे से एक लड़का आता है और आलिया के साथ डांस करने के लिए बोलता है। इस पे दूसरा लड़का भी यही पूछता है लेकिन आलिया कहती है माफ करना पर मुझे डांस करना नहीं आता। इस पे ये सब कहते हैं बस म्यूजिक के साथ बॉडी ही तो मूव करनी है, और तीसरा भी इसे चलने के लिए बोलता है लेकिन तभी कुजे आके इसका हाथ पकड़ के कहता है सॉरी लेकिन इसके मेरे साथ कुछ प्लान्स है, और इसे लेके जाने लगता है। इस पे आलिया मन में कहती है कि मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है बहुत। इस पर तभी कुजे कहता है तुमने वहाँ पे मुझे कहा था कि तुम फोल्ड डांस आसानी से कर सकती हो तो मेरे साथ क्यों नहीं करती, और इस पे आलिया मान जाती है। और नेक्स्ट सीन में कुजे क्लास में होता है और कहता है गुड मॉर्निंग आलिया, और तुम मुझे ऐसे नज़रों से भला क्यों देख रही हो। हाँ इस पर आलिया कहती है तुम स्कम बैग हो। इस पर कुजे कहता है ये कुछ ज़्यादा हो रहा है समझी। इस पर आलिया रशियन में कहती है ये कुछ ज़्यादा ही कूल था कल। इस पर प्रेजेंट में मारिया कह रही होती तो क्या तुम कुजे से प्यार करने लगी हो। इस पर कहती है कि मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है, और मारिया कहती है लेकिन तुम्हारी बातों से लग तो यही रहा है। इस पर आलिया कहती है मैंने कहा ना हम बस दोस्त हैं, और मारिया कहती है दोस्ती से ही तो प्यार होता है और मेरा और शाह का भी तो सेम ही है। इस पर आलिया कहती है लेकिन तुम सही हो और वो अच्छा है और भरोसेमंद भी। इस पर मारिया कहती है कि शाह भी ऐसा ही है, जब मुझ पर एक डॉग ने अटैक किया था तो उसने मुझे बचपन में बचाया था। इस पर आलिया कहती है अगर ये प्यार की बातें करनी है तो अब जाओ यहाँ से। इस पर मारिया कहती है तुम बहुत जल्दी गुस्से में आ जाती हो। और नेक्स्ट सीन में कुजे स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस आता है क्योंकि यूकी नहीं आई होती, उसके बदले में वो आता है। और तभी मारिया इसे देख के खुद को इंट्रोड्यूस कराती है और बोलती है मैं आलिया की बड़ी बहन हूँ। इस पर कुजे कहता है तो मुझे आज तुम्हारे साथ शॉपिंग जाना है ना। इस पर कहती है हाँ और मुझे माशा बुलाओ, तुम आलिया के दोस्त हो ना तो तुम मेरे भी दोस्त हुए। इस पर कुजे कहता है ठीक है, और जिस पे इसका हाथ पकड़ के कहती है कि तुमसे मिलके अच्छा लगा, और तब इसकी तरफ देखती है। इस पे कुजे कहता है क्या हुआ। इस पे मारिया कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है कुजे। इस पे कुजे कहता है माशा चीका, और ये सुन के मारिया चौंक जाती है और कुजे कहता है क्या हुआ तुम्हें। इस पे मारिया कहती है वो मुझे माफ़ करना, मैं बस कुछ सोच रही थी, और रशियन में कहती है चलो चलते हैं। इस पे बोलता है अभी तुमने कुछ कहा शायद। इस पे बोलती है वो सॉरी मैंने कहा चलते हैं, और अभी शॉपिंग कर रहे होते हैं। और मारिया को एक डॉल दिखती है और ये बोलती है चलो सभी मेंबर्स जैसे दिखने वाली डॉल ले लेते हैं। इस पे कुजे कहता है प्रेसिडेंट को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इस पे मारिया बोलती है फिर भी मैं तो ये लूंगी। इस पे कुजे कहता है कि आजा तुम पे चिल्लाएगी देखना, लेकिन ये फिर भी खरीद लेती है। और जाते वक्त कुजे सोचता है जो इसका मन करता है ये बस वही करती है। इस पे अभी टी शॉप के पास आते हैं और कुजे इसका बैग ले लेता है, और अब इसे डॉल पकड़ा के ये इसकी फोटो लेने लगती है, लेकिन कुजे इसे मना करता है।
इसमें अभी अंदर जाके टी ले रही होती है और पूछती है कौन सी लू। इसमें कूजे कहता है मुझे इन सब के बारे में कोई आइडिया नहीं है। जिसपे कूजे सोचता है कि अगर यूकी अपनी मदर की गाइडेंस में बड़ी हुई होती तो वो श्योरली अपने हिसाब से एडवाइस दे पाती और एक पास्ट का सीन याद करता है। इसपे कूजे के डैड कह रहे होते हैं माफ़ करना कूजे, लेकिन तुम्हारी मॉम और मैंने अलग रहने का डिसाइड कर लिया है। जिस पे कूजे कहता है अच्छा तो मैं आपके साथ रहूँगा डैड। तभी मारिया आके प्रेजेंट में कहती है क्या हुआ कूजे, और ये कहता है कुछ नहीं। इस पे मारिया कहती है ऐसा लगता है तुम दर्द में हो, और इसके पास आके कहती है इट्स ओके। और जिस पे कूजे मन में कहता है कि ये कैसी फीलिंग है, ये तो जानी पहचानी सी है लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। और कहता है रुको माशा ये बहुत गर्म है। और अब मारिया को एहसास होता है कि वो टी उसके पीछे लग रही थी, और जिस पे वो पूरे टी को गिरा देती है और कूजे चिल्लाता है ज़ोर से। इस पे ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो होप यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।